माय चैनल, मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। तो जो प्रोडक्ट है वो है ये स्टेक क्वालिटी के मिनी लिपस्टिक्स। जिन लोगों को भी लिपस्टिक लगाने का शौक है उन्होंने इस प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा, और जिन्होंने नहीं सुना है तो आज देख लीजिए। ये हैं स्टेक क्वालिटी के मिनी लिपस्टिक्स। आज करने वाली हूँ मैं इनका ऑनेस्ट रिव्यू और साथ ही साथ इनके जो भी शेड्स हैं उसके बारे में बताऊँगी। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो ये है स्टेक क्वालिटी का मिनी लिपस्टिक किट नंबर 1। इसमें 8 किट्स आती हैं। ये किट 1 है जिसका नाम है किसमी विद एवरी लिप कलर। तो इसमें जो शेड्स हैं वो हैं पिंक, मरून, रेड जो मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने ये वाली किट को चूज़ किया। आप जो भी कलर्स यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप किट को चूज़ कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये 1.2 ग्राम का है। एवरी लिपस्टिक का जो क्वांटिटी है वो 1.2 ग्राम है और इसमें 12 लिपस्टिक्स हैं। इसके प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 399 रुपीज़ का अभी मिलेगा। जिस दिन मैंने इसको परचेस किया था उस दिन पर्पल पे 50% ऑफ था सारी लिपस्टिक्स पे, तो मुझे ये सिर्फ 200 का मिल गया। तो मुझे तो बहुत अच्छी डील पे मिल गया। तो आप भी चेक करते रहिए, कभी आपको अच्छी डील में मिल सकता है, पर अभी ये आपको 399 रुपीज़ में ही मिलेगा। पैकेजिंग की बात करूँ तो इसके सारे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग इतनी अच्छी होती है और बड़े क्यूट लगते हैं बाहर से ही। और इसमें ब्लैक कलर का ये बॉक्स है, लिपस्टिक सारे बने हुए हैं और सारा क्वांटिटी और प्राइस वगैरह मेंशन है। और इस साइड इसमें इंग्रेडिएंट्स के बारे में दिया हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पैराफिन वगैरह ये सब नहीं है, तो ये इसकी अच्छी बात है। और चलिए अब इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो आप इसको ओपन करेंगे तो ये एक प्लास्टिक के ऐसे बॉक्स में मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी पैकिंग है इसकी। कैसे भी आप ऐसे करोगे तो गिरेगी नहीं, और ट्रैवल फ्रेंडली है। तो जो भी लोग बार बार ट्रैवल करते हैं इतनी सारी लिपस्टिक्स ले जाना तो पॉसिबल है नहीं, तो ये आराम से आप इतना सा पैक है आराम से आप इसको अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। और तो चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। आप इसको ओपन करेंगे तो ऐसे आपको इसके 12 शेड्स मिल जाते हैं। तो चलिए आप लिपस्टिक देखते हैं ये कैसे हैं। तो ये मैं लिपस्टिक बताती हूँ, ये शेड नंबर 10 है। तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटे से लिपस्टिक हैं, मतलब आपकी इतना जो उंगली होती है ना उतना ही साइज़ है इनका। पर ठीक है, जो लोग बहुत कम यूज़ करते हैं या बाहर कहीं जाना है तो रखना है लिपस्टिक्स, बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे तो आप एक पूरा बॉक्स कैरी कर सकते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये लिपस्टिक्स हैं क्रुएल्टी फ्री, मैट फिनिश देते हैं और साथ ही साथ ये हैं वाटरप्रूफ, ट्रांसफ़र नहीं होंगे इजीली, हाई कलर पे ऑफ है इनका और इंटेंस पिगमेंटेशन है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। तो अब मैं बताती हूँ मेरा इनको लगाने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए एक लिपस्टिक मैं अप्लाई करके बताती हूँ। एक बात और, आप इनको रफली यूज़ नहीं कर सकते, मतलब इनको थोड़ा सा भी आपने अच्छे से नहीं ओपन किया या बंद नहीं किया तो ये मतलब ख़राब हो जाते हैं। मेरे 2-3 शेड ऐसे ही ख़राब हो गए हैं, देखिए ये बाहर निकल गया क्योंकि मैंने रफली यूज़ किया। ये जो लिपस्टिक्स होते हैं ना इनको आप कैसे भी कुछ भी कर सकते हो, देखिए कैसे भी कर सकते हैं, पर इनको थोड़ा केयरफुली ओपन कीजिए तभी अच्छे से काम होगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो इसको यूज़ करके देखती हूँ मैं। तो देखिए कितना प्यारा कलर है ये जो ये है 39 शेड नंबर 39 फायर अप हियर। तो ये शेड बहुत ही अच्छा है। तो चलिए चेक करते हैं ये ट्रांसफ़र होता है कि नहीं वाटर। आप इसको लगाओगे तो ट्रांसफ़र ये होते हैं, देखिए इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहा है। पर अगर आप इसको टिश्यू से थोड़ा रिमूव कर लोगे जो एक्स्ट्रा है इसके बाद, इसका जो पिगमेंटेशन है वो बहुत देर तक रहेगा। करके बताती हूँ,
तो इतना इसको रिमूव करने के बाद भी देखिए पिगमेंटेशन कम नहीं हुआ। तो आप जब अगर ये लिपस्टिक यूज़ करते हैं तो इसको लगाने के बाद ज़रूर टिश्यू पेपर से जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको आप रिमूव कर दीजिए। उसके बाद ये जो लिपस्टिक हैं ये लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी, 7-8 घंटे तक कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आप ऑयली खा लीजिए या कितना ही घूम लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये लिपस्टिक नहीं निकलेंगे और फिर ये ट्रांसफ़र भी नहीं होंगे। देखिए मैंने 2-3 बार रिमूव कर लिया, अब देखिए तो मैं ऐसा 3-4 दिन से कर रही हूँ, ऐसे ही करती हूँ तो ये काफ़ी देर तक चलता है। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि जब ये प्रोडक्ट आए तो कुछ एक दो लिपस्टिक्स ना जैसे ही मैंने ओपन किया तो हल्की सी मेल्ट थी। बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर, मतलब 45 टेम्परेचर चल रहा है, तो गर्मी के कारण शायद से ये मेल्ट हो गए थे तो इनको मुझे फ्रिज में रखना पड़ा। तो गर्मियों में इनको परचेज़ करने के बाद ये प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी अगर ठंड में आप परचेज़ करते हो तो रूम टेम्परेचर में भी आप इनको रख सकते हैं, पर गर्मियों में मेल्ट हो जाता है इसीलिए फिर ये जो इनका कैप है इसमें भी लगने लगती हैं, तो ये प्रॉब्लम है इसके साथ। तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो अच्छी बातों में ये है कि इनका पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी पैकेजिंग में है, कैरी करना बहुत आसान है इनको, क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब आप इनको अप्लाई करोगे तो बिल्कुल भी रफ़ क्वालिटी नहीं दिखेगी। तो अगर आप एक सस्ता सा अच्छा सा और इतने सारे शेड्स चाहते हो तो आप इसको बिल्कुल परचेज़ कीजिए। इसके सारे शेड्स बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जिनमें से एक दो मैं शायद नहीं लगाऊंगी, बाकी सारे मेरे अच्छे से मैं लगा सकती हूँ, सारे यूज़ करूँगी। तो मुझे ये सिर्फ 200 रुपीज़ में मिला, तो इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि 200 रुपीज़ में मुझे इतने सारे शेड यूज़ करने मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई अच्छी डील मिलती है तो आप इसको परचेस कर लीजिए, नहीं तो 400 रुपये में भी यार 12 लिपस्टिक्स इतनी अच्छी शेड की मिल रही हैं और क्या चाहिए। साथ ही साथ लॉन्ग लास्टिंग है, बस हाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से परचेस कर लीजिए। आई होप आपको ये ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।